Welcome students, NCERT online class. I am Mithun Sarkar, your online teacher, and I always come this types of educational video related to your subjects. So stay with your teacher. Student, today we are discuss from our subject computer topic characteristics of a computer. Last class we discuss different parts of computers and their uses. Okay, so let's start. I write here we have to know about different characteristics of a computer. देखो सबका एक character रहता है, तो computer के भी कुछ characteristics है, चलो हम लोग उसको लिख लेते हैं। मैंने competency से कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये competency से तुम identification भी लिख सकते हो। Okay, और class मैंने third लिखा है, लेकिन ये हर class के लिए जरूरत है। Okay, तो चलो पहले portion लिख लेते हैं। You note down with me. Write the characteristics of a computer. ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमारा एग्जाम में आ जाता है। ओके, तो स्टूडेंट वी कैन मेक ए चार्ट like this. Okay, you can make a circle or oval here and then write here characteristics of a computer, or you can write only computer characters. और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर ये तुम इधर अंदर लिख सकते हो। उसके बाद टोटल 8 कैरेक्टर है, हम लोग इसको 8 इस तरह से बनाएंगे। पहले 4 ऐसे बना लेते हैं, देन बीच बीच में 8 इधर और 8 इधर और 8 इधर और 8। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे ऐसे हो गया है। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लिखेंगे और इसको एक एक करके हिंदी में समझाएंगे। तो चलो स्टूडेंट सबसे पहले लिखते हैं स्पीड। स्पीड मींस गति। देखो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गतिशील कंप्यूटर होता है, तुम कोई भी चीज उसमें लिखोगे और वो तुरंत उसको आंसर तुम्हें दे देगा, तो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा गति होता है। चलो इसको ना थोड़ा सा इस तरह से बना देते तो अच्छा लगेगा देखने, ठीक है? ओके, देन वी कैन राइट एक्यूरेसी। इधर लिखो ए सी सी यू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। देखो अगर तुम कोई क्वेश्चन डालोगे तो वो तुरंत तुम्हें जो आंसर देगा वो एकदम सटीक होगा, मतलब इसको शुद्धता होगा, एक्यूरेसी। ओके, देन वी कैन राइट डिलीजेंस। ओ इसका क्या हुआ, वी कैन राइट डिलीजेंस नंबर 3 डिलीजेंस। सॉरी, ओके, डिलीजेंस का मीनिंग होता है परिश्रम। दैट मींस वो इतना ज्यादा काम कराओगे लेकिन वो कभी थक नहीं जाएगा। जितना टाइम उसको इलेक्ट्रिसिटी तुम सप्लाई करोगे, तुम उसके साथ काम करोगे, वो तुम्हें काम करते ही रहेगा। इसका मींस उसका परिश्रमशीलता बहुत ज्यादा है शक्ति। उसके बाद लिख सकते हो रिलायबिलिटी आर, इसको नया लेना पड़ेगा बच्चे, VIALI रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इसका मींस विश्वसनीयता, मतलब तुम अगर जो तुम कमांड दोगे वो उसका ही आंसर तुम्हें सही तरह से देगा। इसका मींस इसका तुम इसको आप बंद करके विश्वास कर सकते हो, मतलब विश्वास कर सकते हो इसको, ठीक है?
देन वी कैन राइट वर्सटिलिटी, इधर लिख लेते आर शा टी लिटी, इसका मीनिंग है बहु मुखोता, दैट मीन्स ये एक साथ दो तीन काम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाते हैं, तो ये म्यूजिक भी एक साथ तुम्हें सुनाएगा और साथ में तुम काम भी कर सकते हो। जब हम लोग इंटरनेट में काम करते हैं तो क्या करते हैं, दो तीन न्यू टैब एक साथ खुल लेते हैं, तो ये एक साथ सब के सारे काम कर सकते हैं। तो इसका बहुमुखीता एक गुण है, दो कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, एस टी ओ आर ए जी ई, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज। मान लो तुम्हें बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चीज कंप्यूटर में सेव करके रखना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी तुम्हें दे सकते हैं। तुम जितना सारे ज्यादा हार्ड डिस्क जो मेमोरी होता है उतना लगाओगे, वो इतना ही तुम्हें मेमोरी दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी दे सकता है। ओके, तो ये हमारा इसका मीन्स भंडार। ओके, देन ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, सॉरी स्टूडेंट्स इसका थोड़ा इंक खत्म हो गया, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स स्वयंक्रियता, जो खुद से काम कर लेगा। जैसे तुम कमांड दोगे तो उसको जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पहले बताया सीपीयू, उसमें वो कमांड लेगा और वो ऑटोमेटिकली तुम्हें आंसर देगा, दैट मीन्स आउटपुट देगा, ठीक है। लास्ट इज क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन, सॉरी स्टूडेंट्स स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, एक्चुअली उल्टा हो गया। ओके, क्विक डिसीजन दैट मीन्स तुम जब कोई कमांड दोगे ना तो वो इतना जल्दी तुम्हें डिसीजन देगा, तो तुम्हें ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा जे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड मैं फिर से एक बार हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, गति जो ज्यादा से ज्यादा गति होता है कंप्यूटर का, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स सटीक शुद्धता, ये ज्यादा से ज्यादा शुद्धता करेक्ट आंसर तुम्हें प्रोवाइड करता है, डिलीजेंस परिश्रम ज्यादा से ज्यादा परिश्रम कर सकते हैं। ओके, रियलिबिलिटी इसका मीन्स जो चीज होता है वो रियल होता है करेक्ट होता है। देन वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी बहुमुखीता, दैट मीन्स जिसको बहुमुखी प्रतिभा है, तुम दो तीन चार एक काम एक साथ कर सकते हो। देन वर्सटिलिटी, सॉरी हाँ बता दिया, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज मीन्स बहुत सारे स्टोरेज एक साथ हो स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, तुम पिक्चर, तुम्हारा वीडियो, पीडीएफ फाइल, देन बहुत सारे राइटिंग तुम एक साथ रख सकते हो। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ही काम करता है, इसमें अलग से ज्यादा काम नहीं कराना पड़ता है, कभी कभी ऑटोमेटिक तुम कोई इनपुट करके रखोगे तो काम कर देगा। देन क्विक डिसीजन, तुरंत तुम्हें सिद्धांत दैट मीन्स डिसीजन दे देते हैं, इसलिए तत्क्षणिक मतलब तुरंत वेरी क्विक डिसीजन तुम्हें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो प्रॉपरली, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू नोट डाउन प्रॉपरली, एंड इफ यू कैंट नोट डाउन इट विथ मी नो प्रॉब्लम्स, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। And students, last two class I already taken. Okay, different parts of computer,
what is computer, basic idea and different parts of computer with their uses with beautiful pictures. Okay, so you can watch this video. Go to NCERT online video, all video section. There is a different playlist, computer playlist also. You open it and watch. Okay, I hope this class is helpful for your study. So stay with your teacher. You can subscribe the channel and share with your friends also. Okay, thank you all of you.